दिल स्याह होने की अलामतें, पहली बात गुनाह की झिझक खत्म हो जाती है। बीवी पूछती है देर से क्यों आते हैं, बस मैं आता हूं, मेरा काम है, तुम क्यों पूछती हो, तुम्हारा क्या वास्ता है, वो जो एक झिझक होती है ना दिल में वो खत्म। अच्छा कोई क्या कर लेगा, बेटा कहते हैं अब्बू को पता भी चल गया क्या हो जाएगा। ये जो झिझक का खत्म हो जाना है ये पहली निशानी होती है दिल के स्याह होने की। अच्छा कोई मेरा क्या बिगाड़ लेगा, पहले स्क्रीन पे कोई ऐसी शक्ल देखने के डरता था और अब फेसबुक के ऊपर ताल्लुकात बनाए हुए हैं और डर भी नहीं है किसी का, अकाउंट भी खोला हुआ है। तो झिझक का खत्म हो जाना ये पहली निशानी है कि इंसान का दिल स्याह हो चुका। दूसरी बात, नेकी का बोझल महसूस होना, नमाज को दिल नहीं करता, मस्जिद आने को दिल नहीं करता, नेक लोगों से मिलने को दिल नहीं करता, किसी बयान में आने को दिल नहीं करता, अल्लाह के रास्ते में निकलने को दिल नहीं करता, तिलावत को दिल नहीं करता, ये नेकी का बोझल महसूस होना ये गुनाह दिल के स्याह होने की दूसरी अलामत होती है। और तीसरी बात कि अगर कोई समझाए तो समझाने वाला बड़ा बुरा लगता है, मैं उसे समझूं हूं दुश्मन जो मुझे समझाए है। कहते मुझे समझाते क्यों हैं, मां बाप क्यों समझाते हैं, खामिद कहते हैं बीवी क्यों मुझे हर वक्त ये बातें करती रहती है, बीवी कहती है खामिद मुझे क्यों समझाता है। भाई जो समझा रहा है वो तो खैर खा है, मगर दिल जब स्याह होता है तो खैर खा बदखा नजर आ रहा होता है। तो ये तीन अलामात हैं दिल के स्याह होने की।